हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर में क्या मेकर्स के चहेते बन रहे हैं सई केतन राव। जहां एक तरफ सई केतन राव को बिग बॉस ने घर वाले से बाहर वाला एक सेकंड में बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब वीकेंड के वार के शूट के दौरान हुआ कुछ ऐसा जो आज तक नहीं हुआ था। सई केतन राव के लिए आया सलमान खान का मैसेज। जैसे ही सबने वो मैसेज देखा, सबके होश उड़ गए। क्या मैसेज था सलमान का सई केतन राव के लिए, चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर सलमान खान इस बार एज अ होस्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले ही वीकेंड के वार में धमाका कर दिया भाईजान ने। सलमान वीडियो कॉल के थ्रू सारे कंटेस्टेंट्स के साथ जुड़े और उनसे बात करते हुए नजर आए। यहां पर सलमान ने एक मैसेज सई केतन राव को दिया। सलमान ने कहा, इस घर के अंदर इस बार एक बाहर वाला भी है और वो बाहर वाला जानता है कि वो कौन है। उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। मैं उससे यही कहूंगा कि मैंने उसकी पूरी कहानी, पूरी दास्तान सुन ली है और जो संदेश बिग बॉस उसे दे रहे हैं, जो मैसेजेस उसको भेजे जा रहे हैं, उन मैसेजेस पर ध्यान दे और जो रास्ता वो अपनी ज़िंदगी का काट कर यहाँ तक पहुँचा है, अब वो उस रास्ते को भूल जाए, क्योंकि स्ट्रगल उसकी ज़िंदगी का ख़त्म हो चुका है और अब उसको आगे चलकर बहुत काम मिलने वाला है। इतना काम कि वो खुद हैरान हो जाएगा। उसको शो के थ्रू तो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ उसको मैं भी अपने साथ काम दूंगा। सलमान ने सीधा सीधा ये बोला, इस वक्त जो घर का बाहर वाला है, शो खत्म होने के बाद वो मुझसे ज़रूर मिले। ऐसे में अनिल ने भी इस बात को सुनकर तालियां बजाई सलमान के लिए और सई केतन राव के चेहरे की मुस्कुराहट साफ साफ ये बता रही थी कि वही बाहर वाला है। हालांकि अभी तक घर वाले इस बात को जज नहीं कर पाए हैं। वेल, क्या लगता है आपको, क्या सई केतन राव के बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं? क्या सई के ऊपर अब सलमान का हाथ होगा? वेल, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।